आज की अखबार की मुख्य हेडलाइंस इस प्रकार से हैं। सबाब पर सर्दी, 13 जिलों में आज घने कोहरे और ठंड का अलर्ट। शैक्षणिक योग्यता में फंसा पेच, 16 महीने बाद FSO की भर्ती हुई रद्द। राम रहीम को 50 दिन की पैरोल, 29 दिन बाद 9वीं बार जेल से बाहर आए। पटवारियों ने 25 तक बढ़ाई हड़ताल, छुट्टियों के कारण अगले 10 दिन नहीं हो पाएंगे काम। डिमांड बढ़ रही, 6 सेक्टर में जॉब भी बढ़ रहे पर 14 घट रहे। बेटे को अमेरिकी पुलिस की हिरासत में बताकर महिला से 46 लाख रुपए ठगे। महिला को डराने के लिए अमेरिका में नौकरी करने वाले बेटे के रोने की आवाज़ सुनाई। जर्मनी भेजने के लिए 18 लाख रुपए ले पहले दुबई फिर बाकू भेजा, अब युवक लापता। एजेंटों के चक्कर में हुआ युवक धोखे का शिकार। फौजी भाई बोले, परिवार सुरक्षित नहीं। मंत्री ने परिवार को सुरक्षा व कार्रवाई के आदेश दिए। संदिग्ध हालात में एकेडमी की छात्रा 3री मंजिल से गिरी मौत। सरस्वती नदी के चैनल के आसपास के एरिया और 5 किलोमीटर तक की गतिविधियों का बोर्ड कराएगा ड्रोन से सर्वे। हादसे में तैयार हो रहे विलुप्त होते वृक्षों की पौध फिर नजर आएंगे, जाल के दूर डाक के पौधे। देश में आया बदलाव, पाकिस्तानी भी मोदी जैसा चाहते हैं PM। CM ने कहा, टिकट के लिए नहीं मजदूर बन भाजपा में जा रहा अशोक तंवर ने कहा। बरसात में दामिनी ऐप बताएगा 20-30 किलोमीटर में कहाँ गिरेगी आसमानी बिजली। ट्रंप के जीतने की संभावना से अमेरिकी CEO चिंतित, उन्हें डर है दूसरा कार्यकाल बदतर होगा। AI से बने फर्जी वीडियो रोकना मुश्किल हो रहा, समाधान पर भी दो राय बन रही। रिलायंस का मुनाफा 9% बढ़कर 17.265 करोड़, 71% अमीर लग्जरी प्रॉपर्टी में कर रहे निवेश।